गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके बेटा, हमें क्या करना है, किसी भी चीज को जीरो से प्लस करना है। जैसे बेटा फर्स्ट सम है, देयर आर नो गर्ल्स ऑन द डीजे फ्लोर। डीजे फ्लोर पर बेटा कोई भी गर्ल्स नहीं है। सेकंड में क्या है, फोर गर्ल्स कम टू डांस ऑन द डीजे फ्लोर। अब डीजे फ्लोर पर क्या आएगा बेटा, फोर गर्ल्स आई हैं, ठीक है, डांस करने के लिए। नाउ फोर गर्ल्स आर डांसिंग ऑन अ डीजे फ्लोर। अब हमें क्या करना है बेटा, सो देखिए इसमें क्या है, देयर आर नो गर्ल्स ऑन द डीजे फ्लोर। नो गर्ल्स है ना, तो इसमें क्या जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, उसमें क्या है, कोई भी नहीं है, तो क्या जाएगा, जीरो। प्लस दूसरे में क्या है, फोर गर्ल्स कम टू डांस ऑन द डीजे फ्लोर। फोर गर्ल्स आ गए बेटा डीजे फ्लोर पर डांस करने के लिए। ठीक है, प्लस फोर इक्वल जीरो को जब बेटा हम फोर से प्लस करेंगे तो क्या देगा, फोर। व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर, जब हम किसी भी नंबर को जीरो से प्लस करते हैं, वी गेट द सेम नंबर। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, सेम नंबर ही प्राप्त होता है। जैसे अब देखो, जीरो को हमने फोर से प्लस किया तो फोर नंबर ही आया ना, तो वी गेट द सेम नंबर ना बेटा, हमने क्या किया है, सेम नंबर ही प्राप्त किया है। अब बेटा सी द नेक्स्ट सम। रजत हैज फाइव चॉकलेट्स। रजत के पास बेटा क्या है, फाइव चॉकलेट्स है। हिज फ्रेंड गेव हिम टू नो चॉकलेट्स, और उसने अपने फ्रेंड्स को कोई भी चॉकलेट नहीं दी, इट मीन जीरो। सो अब देखिए बेटा, रजत के पास कितनी है, फाइव चॉकलेट्स है, और उसके फ्रेंड्स के पास में कुछ भी नहीं है, जीरो है। व्हेन वी एड एनी नंबर, देखो बेटा फाइव प्लस जीरो, जब हम फाइव को जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वी गेट द सेम नंबर ही प्राप्त होगा। मतलब कोई भी किसी भी नंबर को जब हम जीरो से प्लस करते हैं तो हमें क्या है बेटा, नंबर ही प्राप्त होता है। व्हेन वी एड एनी नंबर टू जीरो, वी गेट द सेम नंबर। तो हमें सेम नंबर ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एडिशन विद जीरो। अब देखिए बेटा, हाउ मैनी कैट्स, काउंट देम, वन टू थ्री फोर, फोर कैट्स है बेटा। एंड अब इसमें क्या है बेटा, इस कॉलम में क्या है बेटा, एक भी कैट्स नहीं है, जीरो है बेटा। ठीक है, फोर प्लस जीरो मेक्स, अब कितनी होगी, अब देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये फोर का फोर ही आ जाएगा, वन टू थ्री फोर, फोर कैट्स। जब हम देखिए, जब हमने जीरो को फोर को जीरो से प्लस किया तो क्या है बेटा, फोर नंबर ही आया। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इस कॉलम में बेटा नो फ्लावर्स तो जीरो। ओके, एंड हाउ मेनी फ्लावर्स बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फ्लावर्स। ठीक है, जीरो प्लस फाइव तो क्या है बेटा, फाइव आया। जब हम किसी भी नंबर को जीरो से प्लस करते हैं तो नंबर ही आता है, वी गेट द सेम नंबर, हमें सेम नंबर ही प्राप्त होता है। काउंट एंड एड। अब यहाँ देखिए बेटा, हाउ मैनी पू बियर, कितने बियर है बेटा, काउंट करेंगे हम पू बियर, वन टू थ्री, राइट हेयर थ्री, प्लस एंड अब बेटा इस कॉलम में क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, जीरो आ जाएगा। अब देखिए, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी नंबर, वी गेट द सेम नंबर। अब देखो हम थ्री को जीरो से प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, थ्री ही आएगा, क्योंकि वी गेट द सेम नंबर, हम सेम नंबर ही प्राप्त करते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, अब थ्री का थ्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट सम। हाउ मैनी जिराफ, काउंट देम, वन टू, राइट हेयर टू, प्लस और इस कॉलम में बेटा क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो नथिंग, तो जीरो मेक्स, वन टू, तो टू का टू ही आएगा। टू को जब हम जीरो से प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, टू आएंगे। हाउ मेनी टोटल जिराफ, टू जिराफ्स। हाउ मैनी, नेक्स्ट सी द बेटा,
नेक्स्ट सम, हाउ मैनी ऑक्टोपस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, काउंट देम बट हाउ मैनी ऑक्टोपस, 12, एंड अब इस कॉलम में क्या है बेटा, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या जाएगा, जीरो। अब हमें 12 को जीरो से प्लस करना है, तो बेटा कितना आएंगे बेटा, 12 ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए काउंट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को जब हमने जीरो से प्लस किया तो बेटा कितना आएंगे, हाउ मेनी टोटल ऑक्टोपस, 12। सीधा नेक्स्ट सम, देखिए बेटा इस कॉलम में क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ क्या जाएगा, जीरो। एंड हाउ मैनी अम्ब्रेला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट हियर 9, मेक्स 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का 9। देखिए बेटा जीरो को जब हमने 9 से प्लस किया है तो क्या आ गया, 9 ही आया है। अब देखिए बेटा इस कॉलम में क्या है बेटा, नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो क्या जाएगा, जीरो। प्लस हाउ मैनी डक्स, काउंट देम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, बेटा हाउ मैनी डक्स, 33। अब देखिए जीरो को बेटा हम जब ने 33 से प्लस किया है तो क्या आएगा, वी गेट द सेम नंबर, हम सेम नंबर ही प्राप्त करते हैं, तो 33 का 33 आएगा, 0 एंड 33 मेक्स 33। ओके, हाउ मैनी हिपोपोटेमस, 1, एंड दिस कॉलम नथिंग, कुछ भी नहीं है, 0, 1 प्लस 0 मेक्स 1। अब देखिए बेटा हमने 1 को 0 से प्लस किया तो क्या आएगा, 1 ही आया। हाउ मैनी हिपोपोटेमस, 1 एंड, और इसमें क्या है बेटा, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं है, मेक्स 1 हिपोपोटेमस। ओके बेटा, देखिए ये आपको अब क्या करना है, आपको डेट मेंशन करनी है, इसी तरह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये चैप्टर चैप्टर 5 है, कंसेप्ट ऑफ जीरो, ठीक है। आपको चैप्टर का नाम लिखना है, डेट मेंशन करनी है, व्हाट इज द डे टू डे, ट्यूसडे, एंड व्हाट इज द डे टू डे, 6, आपको 6 डेट मेंशन करनी है इस तरह से, ठीक है बेटा, डेट मेंशन करनी है, 4 है, डे करना है, क्लास वर्क है, और चैप्टर क्या आएगा बेटा, यहाँ 5 आएगा चैप्टर, और क्या है आपका, चैप्टर 5, कंसेप्ट ऑफ जीरो, ठीक है। जहाँ लिखने से पहले आपको लिखना, स्टार्ट करने से पहले बेटा ऊपर हेडिंग डालनी है, एडिशन विद जीरो, ठीक है। आपको बुक में भी करना है और ये नोटबुक में भी करना है। ओके, थैंक यू बेटा।